हेलो स्टूडेंट, सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सेम सेम क्वेश्चंस है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हर एक टाइप के एक एक दो दो एक एक दो दो सम्स आर सफिशिएंट फॉर दिस। ओके, नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ आर बार ऑफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन टी प्लस वन आई बार प्लस वन अपॉन टी जे बार इज द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन एट अ टाइम टी। ओके, मतलब कोई एक पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में खड़ा है, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है ये, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हुज ग्राफ इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। मतलब हमें क्या करना है कि एक्स एंड वाई के टर्म्स में उसका ग्राफ निकालना है। मतलब ग्राफ का क्या इक्वेशन होगा, मतलब होता है ना कि सपोज करो साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब एक्स एंड वाई इंक्लूड है, यहाँ पे वेक्टर इंक्लूड है, वहाँ पे हमें एक्स एंड वाई इंक्लूड चाहिए। ठीक है, वैसे बनाना है तो इजी है, वो मैं बता दूंगा। देन फाइंड द पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट टी इज इक्वल टू निगेटिव हाफ। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो उसी का डेरिवेटिव ले लेने के बाद बात खत्म। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डीटी, वो खत्म। ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन दिया है आर बार ऑफ टी टी अपॉन टी प्लस वन आई प्लस वन अपॉन टी जे। ओके, अब यहां पे देखो इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ आर बार ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार। ओके, सो यहां पे आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी गेट, आई विल राइट डाउन नेक्स्ट पेज, एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन टी प्लस वन, y हो जाएगा वन अपॉन टी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस y से हमें t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन अपॉन y। मतलब t के जगह पर अगर हमने वन अपॉन y डाला x के अंदर तो काम बन सकता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू y की t की वैल्यू है वन अपॉन y प्लस वन। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। ठीक है, अब ये डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, सो x इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन। अब ये x मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, सो वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ये प्लस वन की कोई जरूरत है नहीं, क्यों, हमें y इज इक्वल टू चाहिए ना, सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इन एक्स वाई टर्म्स। ओके, ध्यान में रखना, काफी इजी है, बस आपको उतना करना है। आगे क्या निकालना है, आगे हमें निकालना है वेलोसिटी, या इसी का एक स्टैंडर्ड आंसर लिख के देता हूं। देयरफॉर y इज इक्वल टू x वन अपॉन x माइनस वन, ठीक से लिखते हो, देयरफॉर y इज इक्वल टू वन अपॉन x माइनस वन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज ग्राफ इट्स पाथ ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हो गया। अब आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी वी नो दैट, व्हाट डू मीन बाय वेलोसिटी, इट्स डेरिवेटिव ऑफ आर बार ऑफ टी। सो डेरिवेटिव ऑफ आर बार क्या दिया है हमें, t अपॉन टी प्लस वन आई प्लस वन अपॉन टी जे। अब यहाँ पे लगेगा u अपॉन v, तो यहाँ पे हो जाएगा t प्लस वन, t का डेरिवेटिव वन माइनस t एज इट इज t प्लस वन का डेरिवेटिव ओनली वन, एंड देन नीचे वन प्लस टी का होल स्क्वायर आई। अब वन अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर जे, जरा ऊपर वालों को सॉल्व करो तो t गेट कैंसल, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर आई माइनस वन प्लस टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर जे। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी। अब हमें बोला है कि चेक वेलोसिटी एट अ पॉइंट टी इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा, टी के जगह पे माइनस हाफ डाल दो, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे सो यू विल गेट फोर आई
-4j। ओके देखो कैलकुलेशन से काफी इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी कितनी आई थी, देखो पीछे, 1/t² 1/1+t² i -1/t² j। अब देखो इसका डेरिवेटिव आएगा -2 1+t³ i बार, यहाँ पे 1/t² का -2 -+t³ j। अब आप बोलोगे इतने फटाफट कैसे निकाला, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁻ तो इसका आंसर होता है -n x⁻+1। मैंने यही फॉर्मूला लगा के 2 मिनट में आंसर निकाला, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, ये तो आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एज टी इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 -1/2³ i +2/-1/2³ j। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16 i bar -16 j bar। तो ये गया एक्सेलरेशन। ओके तो देखो किसी कुछ डाउट वाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके द नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन, r bar ऑफ t दिया है, हमें निकालना है इक्वेशन इन x एंड y एंड देन फाइंड द पार्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा यहां पे ठीक से देखना, r bar ऑफ t क्या दिया है, cos 2t i 3 sin 2t j, ठीक है। सो देयरफॉर यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई, cos 2t, y की वैल्यू हो गई 3 sin 2t। अब देखो किसी भी सूरत में दिखता नहीं कि हमने अगर किसी को क्या पूछ कर दिया तो कुछ तो हो जाएगा। अब देखो आपके पास मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो आपने 11th में की होगी। देखो y के यहाँ पे 3 sin 2t है, ठीक है, बट x के यहाँ पे cos 2t है बस, ठीक है। हमें एक चीज पता है कि sin²θ + cos²θ 1 आता है, एग्री, यस। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस x को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 3x = 3cos 2t, हाँ, और ये y क्या हो जाएगा, y as it is 3 sin 2t, डन। अदरवाइज अगर आप दिमाग ज्यादा लगाना नहीं चाहते तो एक उपाय है, ये x को एज इट इज रखो, ये 3 को यहां पे लेके आओ, तो ये हो जाएगा y/3 sin 2t, ठीक है। अब करो sin²θ + cos²θ अगले पेज पे, तो ये क्या हो जाएगा, sin²θ + cos²θ, बट साइन की वैल्यू क्या थी फ्रॉम लास्ट पेज, इज अ y/3 एंड यहां पे x, तो सबसे पहले मैं x को प्रायोरिटी देता हूं, सो x² + y/3², ठीक है। अब ये तो 1 हो जाएगा, 1 = x² + y² / 9। अब ये 9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 9x² + y² = 9। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाटएवर जो चाहिए वो, हाँ, एक्स और वाई के इसमें तो आ गया ना इक्वेशन, सो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके नाउ वी विल फाइंड आउट वेलोसिटी। ट्रिक ध्यान में रखना, साइन कॉस आने के बाद है ना ऐसे करना है, सो dr/dt, सो डेरिवेटिव r बार क्या दिया है, r बार दिया है cos 2t i + 3 sin 2t j, ठीक है। तो cos 2t का क्या आएगा डेरिवेटिव, -2 sin 2t i, ये हो जाएगा 6 cos 2t j,
जी आई होप आपको डेरिवेटिव्स आते होंगे, आनी चाहिए। नाउ एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस टू साइन जीरो आई सिक्स कॉस जीरो जे, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, तो यहाँ पे वेलोसिटी बच जाएगी ओनली सिक्स जे एंड द अल्टीमेट इज द एक्सेलरेशन। स्पेलिंग थोड़ी डॉक्टर के लैंग्वेज में लिखी है, सो जस्ट एडजस्ट डीवी बाई डी टी, बट यहाँ पे वी कितना आया था अपना, वी आया था माइनस टू साइन टू टी आई प्लस सिक्स कॉस टू टी जे। देखो ये बार में दे रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, आप अगर नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन एक बात है, एक बार नहीं देना तो नहीं देना पूरे साल भर, लेकिन एक बार दिया तो पूरे साल भर देना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हो। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर कॉस टू टी आई बार माइनस ट्वेल्व साइन टू टी जे बार, ठीक है। अब एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस फोर कॉस जीरो आई माइनस ट्वेल्व साइन जीरो जे, ठीक है, साइन जीरो जीरो होता है, बस कॉस जीरो बचेगा, सो एक्सेलरेशन आ गया माइनस फोर आई, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू 13, 14 एंड 15, 16, देन एक्सरसाइज ओवर, ठीक है। तब तक कोई डाउट वाउट हो तो नंबर पे भेजो, कमेंट सेक्शन में क्या होता है, इतना बड़ा आंसर मैं लिख नहीं सकता, इस नंबर पे भेजो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, टेक